नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 646वां एपिसोड। आज 2 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी क्रिकेट और आईपीएल को लेकर दिनभर की 10 बड़ी खबरें आपके सामने पेश करते हैं। तो एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एम्पायर्स पर तो नया नियम आया ही है। कल के विजेता का भी ऐलान करेंगे दोस्तों। कल हमने सवाल पूछा था और जिसने जवाब दिया था, जिसको सबसे ज्यादा लाइक आए थे, उसका नाम आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो भैया बोलता हूँ, एंड तक वीडियो को तो देखते ही लाइक और शेयर कर दीजिए। आज भी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब भी दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन नीचे हिट कर बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से, तो जोफ्रा आर्चर को लेकर शायद ये अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट मुंबई इंडियंस के हवाले से आई है, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से नाउ दिस इज ऑल दो कंफर्म निकल कर आ रहा है कि जोफ्रा आर्चर 2023 में भी शायद उपलब्ध ना हो पाए। उनकी इंजरी की जो टाइमिंग लगातार बढ़ती जा रही है, और हो सकता है कि जब तक अगला साल का आईपीएल शुरू हो तब तक भी जोफ्रा आर्चर फिट ना हो पाए। हालांकि कुछ सोर्सेस बोल रहे हैं कि वो 2 से 3 महीने में फिट हो जाएंगे, बट ऑल दो हो सकता है कि वो इंजरी ऐसी है कि शायद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड फिट होने के बावजूद उन्हें इजाजत ना दे, क्योंकि बहुत ही क्रूशल जगह इंजरी हुई है। और क्रूशल तो ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले रही है इनकी इंजरी रिकवर करने में। तो आर्चर को लेकर शायद मुंबई के हवाले से बुरी खबर है, क्योंकि मुंबई ने साल खरीदा था, इस साल भी नहीं खेल पाया और अगले साल के लिए मुंबई रिटेन भी करने वाली है, दैट कंफर्म फ्रॉम दी सोर्सेज। दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते तो भैया रवि शास्त्री ने सबका दिमाग उड़ा दिया, क्योंकि एक ऐसी बात बोल दी जिससे हम तो बहुत खुश हो गए। शास्त्री जी बोल रहे हैं, बिगर विंडो फॉर आईपीएल रिस्ट्रिक्ट T20 इंटरनेशनल टू जस्ट वर्ल्ड कप्स। तो वो बोल रहे हैं कि आईपीएल की विंडो को और बड़ा किया जाए, आईपीएल को और बड़ा किया जाए, और T20 बायलेटरल सीरीज ना हो, सिर्फ T20 वर्ल्ड कप खेले जाए। अब इस बात से आप कितना सहमत है ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना। अगर आप रवि शास्त्री की बात आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आईपीएल बड़ा होगा हमें तो अच्छा ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन में की तीसरी बड़ी खबर की। तो राशिद खान ने बता दिया है उस भारतीय खिलाड़ी का नाम जिससे उन्हें लगता है डर। जी हाँ दोस्तों, इस साल गुजरात टाइटंस में राशिद खान भी थे, और राशिद खान बोल रहे हैं कि आई फाइंड शुभमन गिल हार्ड टू बॉल। राशिद खान वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल T20 बॉलर रहे हैं, और अगर वो शुभमन गिल के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं तो जल्द से जल्द भैया शुभमन गिल की भी जगह पक्की होनी चाहिए भारतीय टीम में, ना मिलनी नहीं चाहिए, पक्की होनी चाहिए, क्योंकि राशिद खान और गुजरात टाइटंस और शुभमन गिल इस साल एक ही साथ सब लोग थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो यार टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से रिपोर्ट है कि BCCI फ्रेश विंडो की तलाश कर रहा है वुमेन्स T20 चैलेंज के लिए। अब आपको एक चीज बता दूं कि देयर इज अ डिफरेंस, वुमेन्स आईपीएल और वुमेन्स T20 चैलेंज में डिफरेंट है। वुमेन आईपीएल क्या होगा, जिसमें कोई मालिक होगा और वो टीम खरीदेगा, जैसे प्रीति जिंटा होगी, शाहरुख खान होगा, और वुमेन्स T20 चैलेंज में क्या होगा ना, BCCI की ही टीम रहेगी, कोई मालिक नहीं होगा, BCCI के अम्ब्रेला के अंदर ही सब कुछ होगा, तो कोई ओनरशिप नहीं होगी। तो BCCI फ्रेश विंडो तो तलाश रहा है आईपीएल से तुरंत पहले मार्च में या फिर फेब में, ये हो सकता है, लेकिन वुमेन्स आईपीएल नहीं, वुमेन्स T20 चैलेंज होगा, क्योंकि अभी BCCI के मुताबिक कोई ऐसा मालिक है नहीं जो कि इंटरेस्टेड है वुमेन्स टीम खरीदने के लिए, क्योंकि देखने वालों की संख्या कम है। तो वुमेन्स T20 चैलेंज होगा, इसके लिए तो लाइक बनना चाहिए अभी तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट हरभजन सिंह के हवाले से आ रही है, और हरभजन सिंह ने पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, आफ्टर गेटिंग कैप्टेंसी ही फील्स सफोकेटेड, मतलब कप्तानी मिलने के बाद वो और ज्यादा सफोकेटेड फील कर रहे थे मयंक अग्रवाल, ये बोल रहे हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का ये बयान बहुत सारी बातें क्लियर करता है, ये चीजें साफ हो जाती है कि पंजाब किंग्स का जो सबसे बड़ा पैतरा था कप्तानी मयंक अग्रवाल को देने का, जिसके खिलाफ हम शुरू दिन से थे और आपने देखा था, वो बहुत गलत गया है। और मयंक अग्रवाल एज ए बैट्समैन इन्होंने खो दिया, क्योंकि एज ए कप्तान तो वो कभी बने ही नहीं थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, भाई देखो कल का सवाल किसने दिया था सही, उसका नाम इस समय आप अपनी स्क्रीन पर उनका स्क्रीनशॉट्स देख पा रहे होंगे। 165 लोगों ने इनके कमेंट को लाइक किया था कल, तो भैया आप भी बना सकते हैं कल हमारी वीडियो में जगह। सो व्हाट यू हैव टू डू, कुछ नहीं करना है। आज का सवाल यह है, हु वॉन द ऑरेंज कैप इन आईपीएल 2009, फटाफट लिख दीजिए किसने ऑरेंज कैप जीता था 2009 के आईपीएल में, कितने रन बनाए थे और किस टीम के हवाले से वो प्लेयर खेलता था। तो सब कुछ आप नीचे लिखिएगा, और जो सबसे सटीक लिखेगा, जिसे सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे, उसको कल हम फिर से फीचर कर देंगे हमारी वीडियो में। तो भैया करना कुछ नहीं है, नीचे कमेंट करना है तो सवाल का जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई दिन भर की आठवीं बड़ी न्यूज की। तो आईपीएल 2023 में एम्पायर्स को लेकर एक नया नियम आने वाला है, तो किस तरह का ये नियम एक्सपेक्ट BCCI कर रहा है, क्या ये रूल रहेगा, एम्पायर्स को लेकर क्या क्या इन पर हो सकता है, उस पर अब हम बात कर लेते हैं। तो दरअसल दोस्तों हुआ ये है कि इस साल टीमों की शिकायत थी BCCI से,
कि बीसीसीआई ध्यान नहीं दे रहा है एम्पायरिंग के स्तर को लेकर, क्योंकि आईपीएल में हमने देखा था कि 7 दफा 2022 में गलत एम्पायरिंग फैसले लिए गए, जिसमें 3 से 4 दफा थर्ड एम्पायर ने स्क्रीन देखने के बावजूद गलत फैसला लिया। और ये जो चीज थी ये खटक रही है टीमों को भी, क्योंकि एक मैच में तो जीत और हार से, दो या तीन मैच में सॉरी, जीत और हार में अंतर पैदा कर दिया था इन फैसलों ने। तो इसको लेकर दोस्तों बीसीसीआई एम्पायर्स के ऊपर पेनल्टी और मैच सैंक्शन का रूल लाने वाला है। तो जिस तरह से खिलाड़ियों पर शिकंजा कसा गया था कि स्लो ओवर रेट के कारण कप्तान अगर 2 बार गलती करता है तो 1 मैच का बैन लगेगा, 1 बार गलती करता है तो 12 लाख का, 2 बार गलती करता है तो 24 लाख का जुर्माना लगता है, मैच फीस चली जाती है, खिलाड़ी अगर गलत हरकत करता है उसकी पूरी मैच फीस ले ली जाती है, कोचेस तक को प्रवीण आमरे जो कि कोच है उन पर सेंशन लगा सकता है बीसीसीआई, तो उस तरह से ही एम्पायर्स पर भी लगेगा। और अगर मैच रेफरी ये पाता है कि एम्पायर्स ने देखते हुए भी गलत फैसला लिया तो उसकी मैच फीस काट ली जाएगी या फिर उस पर 1 या 2 मैच का सेंशन लगाया जाएगा। और अगर कोई एम्पायर पूरे सीजन में रेगुलरली गलती करता है और वो दोषी पाया जाता है तो उसे बर्खास्त तक कर दिया जाएगा। तो एम्पायर्स पर शिकंजा कसने की कोशिश है। स्पेशली दोस्तों ये जो नियम रहेगा ये थर्ड एम्पायर के लिए रहेगा, क्योंकि फील्ड एम्पायर्स को फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देता है बीसीसीआई और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मेलबोर्न क्रिकेट काउंसिल जो कि बीसीसीआई आईसीसी के लिए माफ कीजिए नियम बनाता है, उसने भी फील्ड एम्पायर्स को राहत देकर रखी हुई है। लेकिन थर्ड एम्पायर तो स्क्रीन पर देखता है ना, वो तो एसी वाले रूम में देखता है, उस पर फैसले लिए जाएंगे। तो ये बड़ी रिपोर्ट थी और इस कदम का हम तो बहुत स्वागत करते हैं, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो माय क्रिकेट प्रोडक्शन की यश तिवारी की, आपके भाई की आईपीएल 11 फटाफट देख लीजिए। जॉर्ज बटलर के साथ केएल राहुल, इस 2022 की अगर हम आईपीएल 11 की बात करें तो मैंने जॉर्ज बटलर के साथ केएल राहुल को ओपनिंग कराई है, मैंने नंबर 3 पर शुभमन गिल को रखा, नंबर 4 पर डेविड मिलर माफ कीजिए एज अ विदेशी प्लेयर, और नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या कप्तान के रूप में मैं केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को ही रख रहा हूं, एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन, उसके अलावा दिनेश कार्तिक नंबर 6, नंबर 7 पर वनाजी हसरंगा और 8वें स्थान पर चहल, 9वें स्थान पर उमराद मलिक, 10वें स्थान पर कगिस और बाटा, 11वें स्थान पर कुलदीप यादव। ये मेरी प्लेइंग 11 थी 2022 की, ये प्लेइंग 11 बहुत तगड़ी है। आपकी 2022 की प्लेइंग 11 कैसी आईपीएल की कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन में की 10वीं बड़ी खबर की, तो आईपीएल मीडिया राइट्स के हवाले से खबर है। दरअसल दोस्तों आईपीएल मीडिया राइट्स की जो बिडिंग है वो जून के अंत तक हो सकती है। Amazon Prime, Netflix और Hotstar ये डिजिटली भाग रहे हैं रेस में, लेकिन जैसा कि मैं आपको परसों बता चुका हूं कि Hotstar जीत चुका है, अंदर खाने की रिपोर्ट यह है। टीवी व्यूअरशिप की बात करें तो यहां पर दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स का पलड़ा लगभग 50% से भारी है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बाकी जितने प्लेयर हैं सोनी हो गया कलर्स हो गया वो 50% उनकी उसमें चांसेस है, किसी का 20 किसी का 10 और बाकी बचा हुआ 50% चांसेस स्टार पर ही आईपीएल आने का, तो ये तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि स्टार पर ही आईपीएल आएगा, ऑल दो कंफर्म बोल सकते हैं मीडिया राइट्स के हवाले से। तो ये तो थी भैया दिनभर की 10 बड़ी खबरें, बाकी हाँ सवाल का जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स नीचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।